हाय गाइस, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। मैंने जंगल के बारे में और दो वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप उसे देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मतलब जो बांस जो कहते हैं, जो ढेर सारे इसके काम होते हैं, वो कैसे होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। ये बलबल जंगल के बीच में पाए जाते हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से होते हैं, किस तरह से इसके पेड़ बनते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ओके, आप समझ जाइएगा कि आपका जो भी बांस कैसे उगते हैं उसको बताओ। पहले मैं दिखाता हूँ, ये जो हुआ हमारे बांस हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं सोड़ होते हैं, और इससे ना एक छोटा सा बीज निकलते हैं जो ऐसे धीरे धीरे लंबा होता है। जैसे कि मैं इससे भी छोटा दिखा दूँगा आपको, यहाँ देखिए, आपको दिखाता हूँ यहाँ से। फिर ये काफ़ी, ये थोड़ा छोटा है तो यहाँ से ऐसे होते हैं, उसके बाद में थोड़ा लंबे होते हैं। मैं और दिखा रहा हूँ आपको, ये बगल में है, इसका कैसे निकलते हैं ये सोड़ के जरिए, और ये धीरे 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 बड़े होकर के एक बहुत बड़ा भयानक बांस के रूप में हो जाते हैं, और इस बगल बगल से ही निकलते हैं और बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। और यहाँ पे बांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जब बड़े होते हैं तो इसका पत्तियाँ कैसे दिखते हैं, आपको बताता हूँ। ये जैसे हुए इसका पत्ती होते हैं, एक ये हुआ और ढेर सारे पत्ती होते हैं, उसके बाद में ये निकलते हैं पत्ती के जरिए। ये एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, इससे हम ढेर सारे काम करते हैं, जैसे घर वगैरह बनाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा काम आता है। इसका मैं दिखा सकता हूँ मजबूती, कि मैं इतना पतले डाली पर भी इसे कस के ऐसे लटक जाओ फिर भी नहीं टूटेगा, इतने ज़्यादा मजबूती होते हैं इसमें। और ये बहुत अच्छे पेड़, ये बहुत ज़्यादा ही लंबे होते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ नज़ारा कि यहाँ पर बहुत ढेर सारे हैं ऐसे चीज़ें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक गुच्छे में होते हैं, एक समूह में होते हैं, जिसे अगर आप चाहे आसानी से काट के निकालने का भी तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुच्छे में होते हैं, एक साथ चपके रहते हैं हजारों, मतलब 20-25 मिल के एक में होते रहते हैं। इसे काटे अगर नहीं काटा जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये साल में इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि यहाँ पूरा कैप्चर जमीन कर सकते हैं। आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना है। जैसे ये एरिया है, पहले यहाँ पे सुन सन्नाटा था, यहाँ पे कुछ नहीं होता था, एक इंसान ने इसे एक लगाया और आज देख सकते हैं एक से कितने ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये एरिया ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, ये सब आपको दिखा रहा हूँ, ये सब कितना हो गया है यहाँ पे। तो आप भी सोच सकते हैं कि इस ऐसे पेड़ लगाए और आसानी से इस लाखों करोड़ का संपत्ति ये होगा। आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए जो भी हमारे दूर दूर तक जो भी एरिया दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये बांस का ही है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कि आप, एक इंसान ने यहाँ पे एक बांस लगाया और एक से हजारों बांस हो चुके हैं, आपको दिखा रहे हैं। मैं पंकज कुमार, कैमरामैन विक्की के साथ इस जंगल के बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं कैमरामैन विक्की के साथ, और मेरे जो धर्म रक्षक है अर्जुन, जो अपने हथियार के साथ यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे हेल्प करते हैं। हम अगर मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो में यहाँ पे क्या है, जंगल के बारे में क्या है, क्या चीज़ है, और ये जो शूट करते हैं हमारे कैमरामैन विक्की है, जो हमारे रक्षक हैं, जो अगर हम लोग पर कोई परेशानी और कोई जिम्मेवार मतलब जो होते हैं अटैक वटैक जंगल है हो भी सकता है, तो यहाँ पे जो होते हैं तो ये बचाते हैं, इनके पास है हथियार जो रखे हैं। तो अब दिखा रहे, तो अगर मैं जंगल में आकर, बीच जंगल में आकर फंस गया हूँ, तो अब हमें भूख लगी है, तो जाहिर सी बात है हम इंसान हैं तो भूख लगेगा ही। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे जो धर्म रक्षक वो कैसे मछली पका रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मछली बनाएंगे, उसके बाद पेट पूजा जो कहते हैं, तो वो जाल बना रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, जाला बना रहे हैं। अब देख सकते हैं कैसे बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे मिल के। ये आपको दिखा रहे हैं,
जो कैसे ये बनाते हैं, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से बना रहे हैं जाले जो मछली पकड़ने के लिए। और ये देख आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे लोगों ने यहाँ पे मछली पकड़े हैं। यहाँ पे एक पेड़ यहाँ रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं किस तरह से मछली पकड़ते हैं, एक बुढ़े व्यक्ति थे जो हमें बताए हैं कि ये इस तरह से आप यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे मछली पकड़ सकते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ धर्म रक्षक वो बना रहे हैं, देख सकते हैं आप कैसे बना रहे हैं। यहाँ से आदिवासी सब कितने, और बैड वाली बात ये है जो हमारे कैमरामैन है खुद ही सरकते हुए पानी में चले गए थे, बट उनको पकड़ा गया, हमारे जो धर्म रक्षक हैं उन्होंने किया। और आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से पहले हम लोग मछली को चारा डालना है, उसके बाद में जो मछली है वो नीचे आएंगे। एक पेड़ है, अजीब और खतरनाक सा पेड़ है जो आप देख सकते हैं, इसका पानी में अंदर यहाँ पे जड़ है, फिर भी ये इतना ज़्यादा मजबूती है। ये मछली पकड़ने का एक सोर्स है, एक जरिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ से मछली पकड़ सकते हैं, दिखाते हैं। तो आपको कैमरामैन थोड़ा आगे दीजिए अपने, तो ये यहाँ पे हम जाल रख चुके हैं जो आप देख सकते हैं कि हम 2-3 घंटे के बाद में आएंगे तो इसमें मिलेंगे, तो उसके बाद आगे का सोच किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मैं दिखा रहा हूँ आपको, आगे चल के और सारे वीडियो दिखाऊंगा आपको, अगर तो मैं इस जंगल के बारे में ढेर सारी जानकारी आपको दूंगा और देते रहूँगा। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पिकमैन एडिलिच, जो आपने अगर मैं दो पहले वीडियो मैंने बनाया था इस जंगल के बारे में, आपने अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए, उसे देख लीजिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और जो हम एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं कि हमने ये पहले वीडियो ही अपना बनाया है, जिसमें आप हमसे कोई गलती वलती वगैरह हो गया हो तो आप उसे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अगर इस जंगल के बारे में आप आगे भी चाहते हैं देखने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आगे भी जानकारी दूंगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसे लाइक और सब्सक्राइब उसे जरूर कीजिएगा। हाय गाइस, देखते रहिएगा हमारे चैनल जय।